हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमित एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द लिपिड्स। इससे पहले की वीडियो में हमने क्या जाना, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन और साथ ही प्रोटीन का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन। आज हम इस वीडियो में लिपिड्स का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन कैसे होता है इस बारे में जानेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फैटी एसिड होते क्या हैं? सो फैटी एसिड्स और लिपिड्स आर रेयरली ऑकर एज फ्री मॉलिक्यूल्स इन नेचर बट आर यूजली फाउंड एज कंपोनेंट्स ऑफ मैनी कॉम्प्लेक्स लिपिड मॉलिक्यूल सच एज फैट्स एंड फॉस्फोलिपिड्स। सो क्या होता है, ये जो फैटी एसिड्स होते हैं या जिनको हम दूसरी लैंग्वेज में लिपिड भी बोल सकते हैं, ये फ्री मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि नेचर में फ्रीली फाउंड होते हैं, और ये एक तरह के कॉम्प्लेक्स लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं। जो कि काम क्या होता है इनका, अगर इनके पहले मेन कंपोनेंट्स की बात करें तो ये ट्राइग्लिसराइड और फॉस्फोलिपिड्स के कंपोजिशन के थ्रू बनते हैं, और इनका काम क्या होता है, स्टोरेज करना एनर्जी का। ठीक है, ये एनर्जी स्टोरेज कंपाउंड होते हैं जो एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं बॉडी की फर्दर यूटिलाइजेशन के लिए। द कम्पोजिशन ऑफ लिपिड इज़ ए ट्राइग्लिसराइड एंड फॉस्फोलिपिड। जैसा अभी स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि जो इनकी फैटी एसिड्स या लिपिड्स की कम्पोजिशन होती है वो ट्राइग्लिसराइड और फॉस्फोलिपिड की फॉर्म में होती है। जो ट्राइग्लिसराइड होता है वो 90% अप्रॉक्सीमेटली होता है और 10% फॉस्फोलिपिड। अब ये फॉस्फोलिपिड क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड तो हो गई इस फैटी एसिड की एक्टिव फॉर्म, दूसरा फॉस्फोलिपिड क्या होता है। फॉस्फोलिपिड जैसे नाम से ही समझ में आ रहा कि इन लिपिड के स्ट्रक्चर में फॉस्फोरस का एक मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, या फॉस्फोरस के सब्सटेंस जुड़े होते हैं। और दूसरा ये होते कहाँ हैं, ये एक तरह से मान लीजिए कि जो ट्राइग्लिसराइड होते हैं उनके ऊपर एक मेम्ब्रेन की तरह प्रेजेंट होते हैं। सो इसीलिए इनकी प्रेजेंट जो है उसका परसेंटेज ओनली 10% होता है। सो इन लिपिड्स के फंक्शन के बारे में जानते हैं कि लिपिड के फंक्शन क्या होते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये एनर्जी को स्टोर करने का काम करते हैं फॉर फर्दर यूटिलाइजेशन जब भी बॉडी को डिमांड होती है। इसके अलावा ये कई सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि प्रिकर्सर ऑफ हार्मोन, ये हार्मोन के प्रिकर्सर की तरह भी काम करते हैं। कई सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें हार्मोन के ट्रैवलिंग के लिए या हार्मोन के फंक्शनिंग के लिए ये लिपिड्स की ज़रूरत होती है। इट हेल्प्स इन डाइजेशन, जो एनर्जी होती है ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। ये जैसे मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट वाले में बताया था, तो डाइजेशन में इनका यूज़ इस तरह एनर्जी के यूटिलाइजेशन के थ्रू भी हो सकता है। सो ये स्टोर करते हैं एनर्जी को, ये मैंने अभी आपको बताया। इट प्रोवाइड मेटाबॉलिक फ्यूल, जो एनर्जी है वो स्टोर हो जाती है और जब भी बॉडी को ज़रूरत होती है ये फ्यूल की तरह काम करती है। दूसरा चीज़ क्या है, पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। फॉस्फोलिपिड का जो स्ट्रक्चर मैंने बताया कि ये सेल के ऊपर कुछ फॉस्फोलिपिड की मेम्ब्रेन होती है, ये एक तरह के लिपिड ही होते हैं जो एक लेयर फॉर्म करते हैं, मेम्ब्रेन फॉर्म करते हैं सेल के ऊपर। अब इनका डाइजेशन क्या होता है या डाइजेशन कैसे होता है, डाइजेशन ऑफ लिपिड। तो सबसे पहले मैंने एक डायग्राम आपके लिए बनाया हुआ है, डायग्राम यहाँ पर पेस्ट किया हुआ है। सो इस डायग्राम के थ्रू हम जानेंगे, देखिए क्या हो रहा है कि जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं, लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स आर इमल्सिफाइड बाय बाइल साल्ट। अच्छा, फैट की एक प्रॉपर्टी आपको स्टूडेंट्स पता होगी कि वो या तो वाटर लविंग होता है या तो वाटर हीटिंग होता है। ठीक है, अब वाटर लविंग तभी हो सकता है जब उसको इमल्सिफाई कर दिया जाए, और अदरवाइज अगर वो अपनी सिंपल फॉर्म में होगा तो वाटर के साथ डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है, सो इसको कहाँ डिसॉल्व करना है, ब्लड स्ट्रीम में। ब्लड स्ट्रीम कैसी होती है, जो उसका मेन कंपोजिशन होती है उसमें प्लाज्मा होता है जिसमें करीब 70% वाटर होता है। सो ऑब्वियस सी बात है कि उस स्ट्रीम में लिपिड का सोल्यूबल होना या लिपिड का घुलना इम्पॉसिबल है, या बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस के थ्रू इसको घोला जा सकता है। तो इस डायग्राम में हम क्या जानेंगे कि सबसे पहले लिपिड का मेटाबॉलिज्म या डाइजेशन कैसे होता है। तो लिपिड जो होता है या फैट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बड़ी बड़ी ड्रॉपलेट के फॉर्म में होते हैं। देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर है, लार्ज ड्रॉपलेट्स हैं यहाँ पर। तो ये लार्ज ड्रॉपलेट क्या होती हैं, पहले इनको तोड़ना होता है। अब ये जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि लाइपेज जो होता है,
ठीक है, वो इन ड्रॉपलेट्स को तोड़ने का काम करता है। पर लाइपेज क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये लार्ज मॉलिक्यूल है आपका लिपिड का। अब लाइपेज जो होता है यहाँ छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में या छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के रूप में इसकी सेल के ऊपर मौजूद रहता है, जिससे क्या होता है, अब ये इतना बड़ा फैट मॉलिक्यूल है, और दूसरे लाइपेज एंजाइम जो है ये क्या है, छोटे छोटे फॉर्म में, जिसके थ्रू क्या हो रहा है, इसका सरफेस एरिया जो है काफ़ी कम कवर कर पा रहा है ये लाइपेज। लाइपेज क्या कर रहा है, ये लार्जर मॉलिक्यूल को स्मॉलर मॉलिक्यूल में तोड़ने का काम कर रहा है। बट क्या है कि ये खुद छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं जो लाइपेज एंजाइम है, ये कम स्मॉलर एरिया कवर कर पाते हैं। तो इसके लिए क्या करना होता है, जो बाकी का बचा हुआ ये लिपिड का सब्सटेंस रह गया, इसको कैसे डाइजेस्ट किया जाएगा। तो इसको डाइजेशन करने के लिए क्या किया जाता है, एक प्रोसेस होती है जिसे बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। सो स्टूडेंट, जो ये डाइजेशन होता है लिपिड का, ये मेनली टू प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होती हैं। फर्स्ट इज इमल्सिफिकेशन और दूसरी है डिफ्यूज़न। ये दो प्रोसेस के थ्रू लिपिड का मेटाबोलाइजेशन होता है। तो इसमें इमल्सिफिकेशन में क्या होता है, जो ये लाइपेज एंजाइम है इसके ऊपर अपनी एक्टिविटी करते हैं, और इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस के थ्रू इसको स्मॉल फ्रेगमेंट में तोड़ देते हैं। अब इन स्मॉल फ्रेगमेंट्स को बोलते क्या हैं, मिसेल। क्या बोलते हैं, मिसेल, यहाँ आ नहीं पाएगा, मिसेल। अब इस मिसेल का काम क्या होता है, ये मिसेल एक तरह की पैकेजिंग बॉडी होती है। ये पैकेजिंग बॉडी बनती कैसे, फर्स्ट ये नहीं बनती है, दूसरा ये कैसे बनती है कि मिसेल जो है ये जब स्मॉल पार्टिकल्स में टूटता है तो किसकी प्रोसेस के थ्रू टूटता है, हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस के थ्रू। यहाँ देखिए साइड में दिया भी हुआ है कि जो मोनोग्लिसराइड होते हैं, ये पहले क्या हुआ है कि लार्ज फैट ड्रॉपलेट जो होते हैं ये बाइल के फंक्शन के थ्रू स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होते हैं इमल्सिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू। फिर क्या होता है, ये मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट होते हैं। मोनोग्लिसराइड का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो ट्राइग्लिसराइड और फैटी एसिड के मॉलिक्यूल रहते हैं, ठीक है, वो कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, अब ये कन्वर्ट होने के बाद ये जब मिशेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, मिशेल फिर ये ल्यूमेन के थ्रू अंदर आता है, किसके, ड्यूडनम के अंदर। किसके अंदर आता है, ड्यूडनम या स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की ल्यूमेन में क्या होता है, जो इसकी सेल बॉडी होती है उसमें गॉल्जी होता है। क्या होता है, गॉल्जी अपरेटस। अब स्टूडेंट्स हम जानते होंगे कि ये गॉल्जी अपरेटस जो होता है एक तरह का पैकेजिंग का काम करता है। गॉल्जी अपरेटस क्या करता है, ये एक तरह की पैकेजिंग यूनिट होती है। ये क्या करता है, इन जो मिशेल बनी है या जो स्मॉलर पार्टिकल्स हैं ये लिपिड के, इनको छोटी छोटी पैकेजिंग यूनिट्स में कन्वर्ट करता है, जिसको बोलते हैं काइलो माइक्रॉन्स। इसको बोलते हैं, इन यूनिट्स को बोलते हैं काइलो माइक्रॉन्स। अब इनके ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है, ये लेयर क्या होती है कि अब आसानी से ब्लड स्ट्रीम में, जो कि वाटरी या हाइड्रोफिलिक इन नेचर है, सो उसमें ये लिपिड आसानी से पहुंच सकते हैं। सो ये तो हमने डायग्राम के थ्रू समझा, अब इसी के थ्योरिकल पार्ट के थ्रू भी हम फर्दर स्टडी करेंगे या इसके बारे में जानेंगे कि किस तरह से डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। सो स्टार्ट करते हैं, लिपिड्स आर प्राइमरी डाइजेस्टेड थ्रू लाइपेज एंजाइम। जैसा मैंने बताया कि जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं या बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लाइपेज एंजाइम के थ्रू छोटे छोटे पार्टिकल्स में या छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं, उनका ब्रेकडाउन हो जाता है। अब ये लाइपेज एंजाइम जो होते हैं तीन जगहों पर इन फैटी एसिड को या इन लिपिड्स को तोड़ने का काम करते हैं। तो पहला कहाँ तोड़ते हैं, ये लाइपेज होता है आपकी माउथ में भी, ठीक है, माउथ मतलब आपकी सलाइवा में ये प्रेजेंट होता है। तो एक फ्रेगमेंटेशन वहाँ पर हो गया, दूसरा जब फूड सोर्स पहुँचा या लिपिड सोर्स पहुँचा आपके स्टमक में, तो वहाँ पर ये लाइपेज उपस्थित होते हैं गैस्ट्रिक लाइपेज की फॉर्म में। गैस्ट्रिक लाइपेज के फॉर्म में क्या होता है, ये और फ्रेगमेंटेशन इनका हो जाता है। फिर लास्टली जब ये ड्यूडनम में एंटर करते हैं तो वहाँ पे भी कुछ लाइपेज होते हैं पैंक्रियाटिक लाइपेज की फॉर्म में, वहाँ पर भी ये लिपिड का फ्रेगमेंटेशन करते हैं। सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो एब्जॉर्प्शन होता है वो लिपिड का ही होता है, बिकॉज इनमें एक जो टेंडेंसी होती है कि ये वाटर लविंग नहीं होते हैं, इस वजह से इनके एब्जॉर्प्शन में या जो डाइजेशन प्रोसेस होती है उसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है एक तरह से।
सो डाइजेस्टिव प्रोसेस इन्वॉल्व्स द टू स्टेप्स, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि दो स्टेप में पूरी होती है प्रोसेस, पहला है इमल्सिफिकेशन एंड दूसरा है डिफ्यूज़न। तो इमल्सिफिकेशन मैंने बताया कि वहाँ पर जो बाइल होता है वो अपना एक्टिविटी शो करता है इन बड़े मॉलिक्यूल्स के ऊपर, और एक तरह का इमल्सिफिकेशन एक्टिविटी के थ्रू क्या करता है, इनको लार्जर मॉलिक्यूल को स्मॉलर मॉलिक्यूल में तोड़ देता है थ्रू द एक्ट ऑफ बाइल। फिर क्या होता है, दिस प्रोसेस प्रोवाइड द लार्जर सरफेस एरिया फॉर द एक्ट ऑफ लाइपेज। अब ये जब लार्जर मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं तो इस एज रिजल्ट क्या होता है, जो लाइपेज उनके ऊपर अटैच थे उनको ज़्यादा सरफेस एरिया मिल जाता है अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। ध्यान से सुनिएगा, जो लाइपेज एंजाइम होता है वो ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। अब बाइल ने इमल्सिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू क्या किया, लार्जर जो लिपिड्स के मॉलिक्यूल थे या फैट के मॉलिक्यूल थे उनको स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया, और फिर उस पर जो लाइपेज के एंजाइम अटैच थे उनको ज़्यादा सरफेस एरिया मिल गया अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, ताकि वो इन स्मॉलर पार्टिकल्स को या स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को और ज़्यादा ब्रेक डाउन कर सकें। अब दूसरी प्रोसेस क्या होती है, डिफ्यूज़न। अब डिफ्यूज़न में क्या होता है कि जो ट्राइग्लिसराइड होता है, मैंने आपको लिपिड की कंपोजिशन बताई थी कि उसमें मेनली 90% ट्राइग्लिसराइड होता है और 10% फॉस्फोलिपिड्स होता है। सो ट्राइग्लिसराइड के बारे में पहले जानते हैं कि उसका फ्रेगमेंटेशन कैसे होता है या उसका डिसोसिएशन कैसे होता है। सो ट्राइग्लिसराइड फ्रेगमेंटेड इंटू फैटी एसिड एंड मोनोग्लिसराइड। तो ट्राइग्लिसराइड जो होते हैं वो फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड में टूटते हैं। फैटी एसिड आर टू टाइप। अब ये फैटी एसिड भी दो तरह के होते हैं, पहला क्या है, फ्रीली डिफ्यूजबल, और दूसरा है नॉन फ्रीली डिफ्यूजबल। जो फ्रीली डिफ्यूजबल हैं उनका तो कोई मतलब ही नहीं है, उनको हम अलग रख देते हैं क्योंकि वो आसानी से ब्लड स्ट्रीम में पहुंच सकते हैं। जो नॉन फ्रीली डिफ्यूजबल हैं, जो आसानी से नहीं टूटते हैं, उनका क्या करना होता है। सो, मैंने आपको बताया ना कि ये जब स्मॉल बॉडीज़ में टूटते हैं तो ये मिशेल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मिशेल। अब ये मिशेल क्या करते हैं, मिशेल आर फॉर्म बाय द एक्ट ऑफ बाइल एंड बिकम मोर एब्जॉर्ब टू द फैटी एसिड। जो लार्ज लिपिड्स मॉलिक्यूल थे वो स्मॉलर मॉलिक्यूल में किसके थ्रू टूट रहे थे, बाइल के थ्रू, बाइल के एक्शन के थ्रू ये स्मॉलर मॉलिक्यूल में टूट रहे थे। अब क्या होता है, जब मिशेल बन गए हैं तो ये मिशेल की एक एक्टिविटी होती है कि ये मोस्ट या मोर एब्जॉर्बिंग टेंडेंसी इनकी होती है, ठीक है, इन कंपेरिजन टू फैटी एसिड। जो वाटर हीटिंग वाले लिपिड्स होते हैं उनके कंपैरिजन में इन मिशेल की ज़्यादा एब्जॉर्बेंट वाली टेंडेंसी होती है। सो, इसका एब्जॉर्प्शन होता कैसे, अब ये मिशेल में कन्वर्ट हो गया मतलब इमल्सिफिकेशन और डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू, अब इनका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैटी एसिड जो होता है ये किसके थ्रू होता है, द फैटी एसिड आर एंटर्ड थ्रू द ल्यूमेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो पेप्टाइड्स हैं या जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं या जो लिपिड्स हैं, याद रखिएगा इन सब का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन की ल्यूमेन से ही स्टार्ट होता है। सो, ये सबसे पहले लिपिड जो हैं ल्यूमेन में ही एंटर करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। द स्मॉलर फैटी एसिड्स आर इजिली एब्जॉर्ब बाय स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉलर फैटी एसिड्स होते हैं जिनकी कंपोजिशन होती है ग्लिसरॉल, ठीक है, ग्लिसरॉल जो होता है वो आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी कंपोजिशन में होता है मोनोग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल, ये क्या होता है, इनको एब्जॉर्ब कराने के लिए थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। तो इन केस ऑफ लार्जर फैटी एसिड सच एज मोनोग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल नीड हेल्प फॉर एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट टू द ब्लड स्ट्रीम, सच प्रोसेस टेक प्लेस। सो, इनका एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्ट कराने के लिए ब्लड स्ट्रीम के अंदर कुछ प्रोसेस का इन्वॉल्वमेंट होता है। द लार्जर फैटी एसिड रिमेन्स इन द इंटेस्टाइन रिसेम्बल इट सेल्फ। जो इंटेस्टाइन के अंदर स्मॉलर लिपिड्स पार्टिकल थे वो तो आसानी से डिफ्यूज हो गए या ब्लड स्ट्रीम में आसानी से पहुंच गए, जो लार्जर फैटी एसिड थे जिनकी कंपोजिशन क्या थी, मोनोसैक्राइड और कोलेस्ट्रॉल, ये एक तरह से वाटर हीटिंग मॉलिक्यूल्स हैं। सो, ये क्या करते हैं, इंटेस्टाइन के ही अंदर अपने आप को रिसेंबल करते हैं, क्या करते हैं, दोबारा से असेंबल करते हैं या रिसेंबल करते हैं। दिस ट्राइग्लिसराइड ट्रेवल टूवर्ड द गॉल्जी अपरेटिस। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन की ल्यूमेन पे ही जो सेल्स होती हैं उसमें गॉल्जी बॉडी होता है, हर एक सेल में गॉल्जी बॉडी होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है,
और एक न्यूक्लियस होता है, तो गॉल्जी अपरेटस जो ल्यूमेन में रहता है उसकी सेल्स में रहता है। तो उसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, गॉल्जी अपरेटस होते हैं पैकेजिंग यूनिट्स ऑफ द सेल्स कहलाते हैं। तो ये क्या करते हैं, एक तरह का पैकेजिंग मटेरियल तैयार करते हैं, किसको, जिसमें लिपिड को लपेटा जाता है या लिपिड का पैकेजिंग होती है, लिपिड की पैकेजिंग होती है, और एक व्हीकल फॉर्म हो जाता है जिसका नाम होता है कोल माइक्रॉन्स। अब लिपिड क्या हो गया, इस कोल माइक्रॉन व्हीकल के अंदर पैक्ड हैं। अब ये कोल माइक्रॉन की एक टेंडेंसी होती है, कोल माइक्रॉन आउटर मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड विच मेक इटसेल्फ वाटर सोल्यूबल। जो मैंने आपको शुरुआत में कंपोजिशन बताई थी, ट्राइग्लिसराइड जो होते हैं वाटर हीटिंग होते हैं, फॉस्फोलिपिड जो होते हैं वो वाटर लविंग होते हैं, स्लाइटली वाटर लविंग। सो अब क्या हुआ, ये जो कोल माइक्रॉन्स हैं ये अपने आप को, इनकी जो बाहर की मेम्ब्रेन होती है ये फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, और फॉस्फोलिपिड वाटर सेल्यूबल होते हैं। सो ड्यू टू दिस नेचर दिस कोल माइक्रॉन्स आर इजिली ट्रेवल्स इन द एक्वस एनवायरमेंटल एनवायरमेंट ऑफ दी बॉडी। सो अब ये जब पैक्ड हो चुके हैं, इनके ऊपर फॉस्फोलिपिड की लेयर चढ़ चुकी है, और ये फॉस्फोलिपिड वाटर या वाटर लविंग है और आसानी से एक्वस एनवायरमेंट में ट्रैवल कर सकते हैं। सो ये अब अपना फर्दर ट्रांसपोर्टेशन या ट्रैवल स्टार्ट करते हैं। देयर फोर कोल माइक्रोन फर्स्ट डिलीवर इन द लिम्फेटिक वेसल एंड देन फर्दर ट्रांसपोर्टेड ट्रांसपोर्टेशन ऑकर्स इन ब्लड वेसल। अब इसमें एक और प्रोसेस क्या होती है कि ये जो कोल माइक्रोन्स होते हैं ये डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में नहीं जा पाते हैं। तो इसके लिए कहाँ पहले डिलीवर होते हैं, लिम्फेटिक वेसल में। लिम्फेटिक वेसल क्या होती हैं, जो ब्लड वेसल की तरह ही होती हैं, और उनके अगल बगल लिम्फेटिक वेसल भी फैली होती हैं। जैसे ब्लड स्ट्रक्चर ब्लड वेसल होती हैं, वैसे ही लिम्फेटिक वेसल होती हैं जो लिम्फ का सिक्रेशन करती हैं। तो ये जो कोल माइक्रॉन्स थे जिनके ऊपर फॉस्फोलिपिड की लेयर चढ़ी हुई थी, ये पहले जाते हैं लिम्फेटिक वेसल के अंदर। फिर इस लिम्फेटिक वेसल का काम क्या होता है, ये फर्दर ट्रांसपोर्टेशन करती है इन कोल माइक्रॉन्स का ब्लड वेसल के अंदर। तो इस तरह से ये जो कोल माइक्रॉन्स हैं या जो लिपिड्स हैं या जो पैकेजिंग बॉडी हैं, ये ब्लड वेसल में कैसे पहुंचती हैं। ठीक है, अब क्या है, इफ़ द फैटी एसिड आर नॉट यूटिलाइज थ्रू द सेल देन इट स्टोर्ड इन द एडिपोज टिश्यू। अगर ये यूटिलाइज हो गया किसी भी एक्टिविटी में तो कोई बात नहीं, अगर नहीं यूटिलाइज होता है तो ये फैटी एसिड जो हैं ये एडिपोज टिश्यू के रूप में स्टोर हो जाते हैं बॉडी में। ठीक है, किसके रूप में स्टोर हो जाते हैं, एडिपोज टिश्यू के, या एडिपोज टिश्यू के थ्रू ये स्टोर कर लेते हैं खुद को। ठीक है, आई होप कि ये आपको लिपिड का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच गाइस।